हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और मैं अभी अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मेगा पैकेज 2 के मेन गेट पे आ गया हूं। यह है मेन गेट और मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन जो मेट्रो स्टेशन घीकांटा का काम चल रहा है तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और फिर आपको वीडियो को दिखाता हूँ। अभी मैं एंट्री ए के पास पहुँच गया हूँ जो आपको आगे दिखाता हूँ। ये है एंट्री ए। ये हमारे साथ में सुहाब साहब हैं, सुहाब साहब जी जो साइड को सुपरविजन करते हैं। फाइनली मैं एंट्री गेट ए के पास हूँ और हमारे साथ में सुहास जी हैं, तो ये एंट्री ए के बारे में कुछ बताएंगे। तो बताइए, एंट्री ए से हम लोग किस ओर जा रहे हैं? हम लोग इंची ऐसे कॉन्कोर्स एरिया बोलता है। अच्छा अच्छा, कॉन्कोर्स एसिया में उतर रहा है। जी जी दोस्तों, मैं अभी घीकांटा मेट्रो स्टेशन के अंदर में जो मेन कॉन्कोर्स एरिया है, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ और फाइनली सामने आपको टिकट रूम, मेस रूम, डीजी रूम और इसमें एंट्रेंस के लिए जो ए बी सी है आपको सब दिखाऊंगा। और हमारे साथ में एक दादा जो हैं और एक हमारे साथ में सुभाष जी हैं, वो आपको सब साइड के बारे में बताएंगे। टिकट रूम 2 है। टिकट रूम 2 है। जी जी जी, तो एरिया के क्या पूरा नाम बताइए? कॉन्कोर्स एरिया है। इसी में जो है बीच वाला जो प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला एरिया है, कॉन्कोर्स एरिया है। इसमें क्या क्या है सब? इसमें अपना जो है इलेक्ट्रिक रूम, टीवी रूम, मेस रूम, किचन रूम, सारा चीज है। दोस्तों, मैं एंट्री सी के पास हूँ और इसके बारे में मैं सुभाष जी जो हमारे साथ में वो बताएंगे। प्लीज हमें बताइए, एंट्री से किस ओर में निकलेगा और कैसे निकलेगा, अभी कितना काम हो चुका है? एंट्री सी का जो है स्टेयर का काम हो चुका है। जी जी, अभी वाल वगैरह का थोड़ा काम बाकी है। तो ये जीना का काम है ना, सीढ़ी का? हाँ। तो ये कब तक काम फाइनल हो जाएगा? अभी थोड़ा सा इसमें काम फाइनल होने में तो ज़्यादा एक आध साल का टाइम लगेगा, लेकिन फिनिशिंग वगैरह में ऐसे तो 3 से 4 महीना में इसका जीना वगैरह का काम खत्म हो जाएगा। सुभाष जी, अभी हम लोग कौन सा एरिया में है थोड़ा बताएंगे क्या? अभी हम लोग ऐसे टीवीएस रूम लॉन्चिंग सॉफ्ट एरिया है इधर। अच्छा अच्छा, वो लॉन्चिंग सॉफ्ट एरिया में है। लॉन्चिंग सॉफ्ट का मतलब होता क्या है? लॉन्चिंग सॉफ्ट किसको बोलते हैं? लॉन्चिंग सॉफ्ट का मतलब क्या होता है ये तो मैं क्लियर बता नहीं पा रहा। अच्छा, ये एरिया में जो हम लोग खड़े हैं इसके बारे में कुछ बताएं, ये एरिया कौन सा है? इसे टीवीएस रूम बोलते हैं। टीवीएस के मतलब क्या होता है? टीवीएस का मतलब होता है टिकट बुकिंग सर्विस। दोबारा दूसरा बताएं क्लियर से। टिकट बुकिंग सर्विस। अच्छा, तो इस एरिया में टिकट काटने से लेकर पब्लिक को बैठने की व्यवस्था रहेगा? हाँ, सारा व्यवस्था रहेगा। मैं अभी कॉन्कोर्स एरिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। जो इस तरह दृश्य है, ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम चल ही रहा है। अभी देखिए, इधर में कुछ स्टेयर का काम चल रहा है जो इस टाइप का है और मैं आगे चल के आपको कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैं एंट्री बी के पास आ गया हूँ जो इस टाइप का है। ये भी अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अभी हम लोग नीचे की ओर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा हूँ। अब आगे जो है इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं जो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अभी मैं घीकांटा के मेन प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और इधर में 2 स्टेशन से रास्ता जुड़ता है, जो एक तरफ शाहपुर की ओर जा रहा है, एक तरफ कालूपुर की ओर जा रहा है। तो इसके बारे में हमारे साथ में एक सुभाष जी हैं, हमारे पास दादा हैं, एक धर्मेंद्र जी हैं। तो इसके बारे में सुभाष जी हमें बताएंगे कि कौन रास्ता किधर जा रहा है। तो सुभाष जी हमें बताएं कि बायां और दायां जो स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म किधर जाएगा थोड़ा बताएं। अभी तो ट्रेन का काम हुआ नहीं है, अभी तो सारा काम बाकी ही है, लेकिन ये 2 स्टेशन है तो दोनों का जैसे 1 नंबर और 2 नंबर है, तो 1 से जो ऐसे मतलब कि हम कालूपुर की ओर जाएंगे और 1 से जो ऐसे मतलब कि शाहपुर। अच्छा, मैं आगे अपना कैमरा आगे की ओर कर रहा हूँ, पीछे की ओर, और बताता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म जो है, इसका कहाँ से कनेक्ट हुआ है?
एक प्लेटफॉर्म से जी, एक कालूपुर से है। हाँ, कालूपुर से कनेक्ट। अच्छा अच्छा, और एक ए साइड में प्लेटफॉर्म है, एक कहाँ से कनेक्ट होगा? ए शाहपुर से होगा। दोस्तों मैं फाइनली अभी टनल के सामने खड़ा हूँ और ये टनल टू है जो कालूपुर की ओर जाएगा, और इसके बारे में सुभाष जी कुछ हमें बताएंगे। सुभाष जी थोड़ा इसमें क्या काम हो रहा है टनल में, थोड़ा बताइए हमको। अभी तो सारा ट्रैक का काम हो रहा है, पटरी उठी रेल की पटरी उठी बीच रही है, सारा काम तो अभी हो रहा है। तो ये रेल का जो पटरी बीच रहा है तो उसके किस सहारे से बीच रहा है, उसके लिए क्या कौन सा मशीन वशीन लगा रहे हैं इसमें, ट्रैक्टर है या कुछ और कुछ सामान है, ये थोड़ा बताएं। सामान तो लोग मशीन के द्वारा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका काम नहीं करते हैं तो क्लियरली बता नहीं पाएंगे क्या क्या यूज किया जा रहा है। अच्छा, इतना बड़ा सुरंग जो ट्रेन अंदर चला जाता है तो इसके बारे में बताएं, किस तरह इतना बड़ा लंबा चौड़ा खुदाई हुआ, कौन सा मशीन था इसमें, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? टीबीएम बताया। आप बताइए। टीबीएम से माटी कटिंग। अच्छा, दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, मैं फिर वापस आपको नए नए वीडियो लेकर आऊँगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।